जय श्री ओम नमः सिद्धिव्या नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सबिसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम उच्छिदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय मंगलकरण पीते राग बेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो पगटे निज भाव सोचे बनते रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह महान कृति मोक्षमार्ग प्रकाशक, जिसका यथा नाम तथा काम वाली इसकी बात है कि मोक्षमार्ग का प्रकाशन करने वाला है ये ग्रंथ। ऐसे इस ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दूसरे अधिकार पे हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें पंडित जी संसार अवस्था का स्वरूप बताने वाले हैं कि जो ये वर्तमान में हमारी अवस्था है, संसार में जो हम हैं, संसारी जीवों की जो अवस्था है वो कैसी कैसी होती है। तो इसमें कल हमने देखा था कि पंडित जी ने एक तो ये बताया था उसको दुआ है, लेकिन वो उपाय सच्चा नहीं करता, इसलिए दुख दूर नहीं होता। पंडित जी ने ये बता के फिर हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए और वो भूमिका बताई कि इस अधिकार में और इस ग्रंथ में पंडित जी किस तरह से और किन किन बातों का उल्लेख करना करने वाले हैं। समझाइए, तो देखो इसमें हम देखें कि कोई भी मनुष्य रोग का इलाज किसी भी तरह से हो, लेकिन हम कहें कि वो दर्द का इलाज तो करना चाहता है लेकिन मर्ज का इलाज नहीं करना चाहता, हाँ कि जो रोग है उसको दूर करना चाहता है दीवाने लेकिन रोग की जो ना दीवाने और दीवाने हो गया था। रोग की जड़ क्या है, वो रोग की जड़ दूर नहीं होगी तब तक वो रोग दूर नहीं होगा। जैसे किसी को 104 डिग्री पे बुखार है तो उसका इलाज करना चाहता है कि ये बुखार मेरे दूर हो, लेकिन जब वो बुखार थोड़ा कम हो जाता है फीवर, तो फिर वो उसको फीवर मानते नहीं है, फिर मतलब वो एक फिर वो दवाई वगैरह लेना बंद कर देता है, मीन्स वो उसमें ढील दे देता है। तो जब तक वो जड़ से समाप्त नहीं होगा रोग, तब तक वो रोग समाप्त नहीं हुआ है, वो तो थोड़ी देर से लिए आभास मात्र है कि रोग दूर हो गया है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो दुख है
उस दुख को दूर करने का उपाय भी करते हैं, लेकिन जो उपाय से वो दुख थोड़ा कम हो जाता है कभी कर्म के उदय बसात पुण्य पुण्य आदि के संयोग से, तो वो दुख थोड़ा बहुत दूर भी हो जाता है, तो सुखावास मात्र है, लेकिन वो दुख जो है जड़ से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए पंडित जी यहाँ उसे जड़ से समाप्त करने का उपाय बताने वाले हैं इसी ग्रंथ में। इसमें देखो पंडित जी क्या कह रहे थे कि पहले मैं रोग का निदान बताऊंगा कि ये रोग कैसे हुआ है, फिर रोग के निमित्त से कैसी कैसी अवस्था हुई है, फिर उनको दूर करने का उपाय और उपाय की प्रतीति। देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि वैद्य जो है यहाँ पे वैद्य की भूमिका मैं निभाऊंगा और रोगी की भूमिका तुम निभाना। मतलब कि जैसे पंडित जी ने बताया था कि वैद्य का कर्तव्य क्या है और रोगी का कर्तव्य क्या है, तो उस दोनों का कर्तव्य बता के पंडित जी मैं ये बताना चाह रहे हैं कि खाली वैद्य की सुनने मात्र से रोग दूर होने वाला नहीं है, कि हम वैद्य की रोग कैसे हुआ, उससे कैसी अवस्थाएं होती हैं, उसका दूर करने का उपाय क्या है, उपाय की प्रतीति, इतना सुनने मात्र से वह रोग दूर होने वाला नहीं है। उसी तरह से हम जिनवाणी माँ के द्वारा ये कर्मबंधन रूपी रोग कैसे हुआ है, क्या अवस्था होती है, इनको दूर करने का क्या उपाय है, इन सब बातों को सुने, उपदेश को सुने, तो केवल सुने नहीं, मीन सुनने मात्र से हमारा यह रोग दूर होने वाला नहीं है, पंडित जी यहाँ यह कहना चाह रहे हैं। इसीलिए पंडित जी ने वैद्य का कर्तव्य अलग बताया और रोगी का कर्तव्य अलग बताया कि इतना तो वैद्य का बतलाना है और ये रोगी का कर्तव्य है। तो ऐसे ही हमको भी जो जिनवाणी के द्वारा उपदेश को सुना, उस उपदेश के अकॉर्डिंग जो उस रोग को दूर करने के साधन है उनको अपनाएं, उस पे चिंतन मनन करें, तो उस पे चिंतन मनन करके उस साधन को अपना के ही हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसा यह जीव का कर्तव्य है कि पुरुष का साधन करे और कर्मबंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। अब इसमें पंडित जी सबसे पहले कर्मबंधन का निदान बताने वाले हैं कि यह जो कर्मबंधन रूपी रोग है जो हमको अनादि से लगा हुआ है, जिसके कारण यह जीव इस संसार में भ्रमण कर रहा है और अनेक दुखों को सहन कर रहा है, तो यह कर्म बंधन रूपी रोग जीव को हुआ कैसे है, तो वो पंडित जी बताने वाले हैं कर्म बंधन के निदान में। तो देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं, क्योंकि पंडित जी बता के आए हैं कि जो वैद्य है वो सबसे पहले रोग का निदान ही बतलाता है कि यह रोग ऐसे हुआ है। तो पंडित जी भी यहाँ पर वही कर्मबंधन रूपी रोग का निदान बताने वाले हैं कि यह कर्मबंधन रूपी रोग कैसे हुआ है। तो देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं, कर्मबंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता, इसीलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं, कर्म बंधन होने से कि इस जीव को कर्म बंधन होने से क्या होता है, नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है, कि जो इसके भावों में परिणमन पना है, जो इसके भाव हैं जो औपाधिक भाव हैं, जो इसके स्वभाव भाव नहीं है। औपाधिक भाव का मतलब क्या है, औपाधिक का अर्थ है उपाधि सहित, कि जिसमें कुछ ना कुछ उपाधि हो वो उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन कोई ना कोई उपाधि के साथ वह भाव कहा जा रहा है, जैसे औदयिक भाव है, छाव श्रमिक भाव है, छायिक भाव है, छाव श्रमिक भाव है, ये भाव क्या है, औपाधिक भाव है, क्योंकि इनमें कर्मों की उपाधि जुड़ी हुई है, किसी में कर्मों के उदय की, किसी में कर्मों की क्षयोपशम की, किसी में कर्मों की क्षय की, तो इस तरह से उसमें उपाधि जुड़ी हुई है, इसीलिए वो भाव कहलाते हैं औपाधिक भाव। तो कर्म बंधन होने से जीव को नाना प्रकार के औपाधिक भाव पाए जाते हैं और उन भावों में ही जीव का परिभ्रमण बना पाया जाता है, मीन्स उन औपाधिक भावों में ही यह जीव उलझा रहता है, कभी राग रूप, कभी द्वेष रूप, कभी पुण्य रूप, कभी पाप रूप, तो इस तरह से उन्हीं औपाधिक भावों में यह जीव परिभ्रमण करता रहता है।
देखो पंडित जी ने ये नहीं कहा कि कर्मबंधन होने से चार गतियों में परिवर्तन पाया जाता है और अनादि से यह जीव यहाँ परिव्यवन कर रहा है। पंडित जी ने यहाँ ये भी नहीं कहा, पंडित जी ने यह मुख्यतः किसकी दी है, भावों की, मीन्स भावों की प्रधानता लिए हुए पंडित जी ने यह कथन किया है कि नाना औपाधिक भावों में परिवहन बना पाया जाता है, क्योंकि जीव की भूल यही है कि वो इन औपाधिक भावों में उलझ जाता है, पाप रूप नहीं तो पुण्य रूप उलझ जाता है, या फिर दुख रूप नहीं तो सुख आभास में उलझ जाता है। इस तरह से जो जीव की भूल है कि वो औपाधिक भावों में उलझता है, इसीलिए पंडित जी ने भी यहाँ पर भावों की प्रधानता से ये कथन किया है कि कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिव्यवन बना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता, क्योंकि वह जीव एक रूप नहीं रहता। जैसा बताया कि कभी राग रूप, कभी द्वेष रूप, कभी पुण्य रूप, कभी पाप रूप, कभी मंद कषाय रूप, कभी तीव्र कषाय रूप, कभी मंद का कषाय रूप, तो इस तरह से वह कषायों में परिणमन बना, तो जो औपाधिक भाव है वो उपनिष होते रहते हैं, कभी औदिक भाव, कभी सार्वसमिक भाव, कभी सार्वसमिक भाव, इस तरह से, तो उन भावों में परिवहन पाना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। इसीलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। देखो पंडित जी यहाँ संसार अवस्था का स्वरूप बताएंगे, इसीलिए पंडित जी ये बता रहे हैं कि जो ये वर्तमान की हमारी अवस्था है यह संसार अवस्था है, और ये अवस्था कैसी है, कर्म बंधन सहित है, क्योंकि कर्म बंधन सहित होने पर ही नाना औपाधिक भावों में परिव्यवन पना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। इसीलिए जो ये हमारी वर्तमान अवस्था है, ये जो संसार अवस्था है हमारी, वो कर्म बंधन सहित ही है। इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं, कि इस संसार अवस्था में कोई ऐसा नहीं हम तुम ही हैं, अनंत अनंत जीव द्रव्य हैं जो इस संसार अवस्था में ही जन्म मरण के दुखों को सह रहे हैं। ऐसे अनंत अनंत जीव द्रव्य हैं, और वे अनंत अनंत जीव द्रव्य अनादि ही से, ऐसा नहीं आज या कल से ही ऐसा हुआ हो, अनादि ही से कर्म बंधन से सहित हैं। कर्म बंधन रूपी जो ये रोग है वो नया नहीं हुआ है, वो अनादि ही से है। इसकी पंडित जी यही पुष्टि करेंगे कि अनादि से वह रोग कैसे है, अभी आगे वाले पैराग्राफ में आएगा वो वाली बात, कि अनादि से सिद्धि करेंगे इसकी कि कर्मों के अनादि बनने की सिद्धि कैसे है। तो इस संसार अवस्था में अनंत अनंत जीव द्रव्य हैं, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ। देखो हमको लगता है ऐसा कि कभी ना कभी तो कर्म का संयोग जीव से हुआ होगा, कि हमको ऐसा लगता है, हमको बहुतों को ऐसा लगता होगा कि जीव पहले न्यारा था, कर्म न्यारा था, बाद में जीव ने कोई ऐसी भूल की कि उन कर्मों वो कर्म उससे आके जुड़ गए, मीन्स बाद में इनका संयोग। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो ऐसी भी मान्यता रखते हैं कि पहले जीव न्यारा था, कर्म न्यारा था, इनका संयोग तो बाद में हुआ है, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कर्म बंधन है वो तो अनादि ही से है, वो कोई नया संयोग नहीं हुआ है उसका, वो तो अनादि से चला आ रहा है। तो देखो यदि ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा नहीं था, कर्म न्यारा नहीं था, पहले से कर्म बंधन है, यदि उनका संयोग नया नहीं हुआ है तो कैसे है। तो देखो पंडित जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मेरु गिरि आदि अकृत्रिम स्कंदों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप है, फिर उनमें से कितने परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। देखो मेरु गिरि आदि जो अकृत्रिम स्कंद है, पंडित जी अकृत्रिम स्कंदों की बात कर रहे हैं कि जितने भी द्वीप हैं, मेरु गिरि आदि यानी कि जितने भी पर्वत हैं, जितने भी द्वीप हैं, आदि सभी लगाना, क्योंकि सभी द्वीपों में पर्वत हैं, जैसे नंदीश्वर द्वीप पे पर्वत है, अधिकर पर्वत है, कारोदी पर्वत है, ऐसे जो पर्वत हैं, ऐसे अनेक द्वीपों पे अनेक पर्वत हैं, तो ऐसे जो मेरु गिरि आदि अकृत्रिम स्कंद हैं, क्योंकि वो क्या है, स्कंद है,
क्योंकि उनमें जो पुद्गल परमाणु है उनका स्कंद बना हुआ है, जो पर्वत है वो क्या स्कंद ही है, क्योंकि जो परमाणु है वो तो दिखता भी नहीं है, तो जो भी हमको दिखता है पुद्गल में वो सब क्या स्कंद ही है। तो ऐसे जो मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंद है उनमें अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप है। देखो जो ये मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंद है ऐसा तो है नहीं उनको किसी ने बनाया हो, वो तो अकृत्रिम है, वो तो अनादि ही से है। तो अनादि ही से जब वो अकृत्रिम स्कंद है इसका मीनिंग क्या हुआ कि अनादि ही से अनंत पुद्गल परमाणु भी एक बंधन रूप अवस्था को प्राप्त है, तभी तो वह अनादि अनादि से है। यदि वो अनादि से नहीं होते तो हम ये मान लेते कि चलो अनादि से पुद्गल परमाणुओं का एक बंधन रूप नहीं है, लेकिन जो मेरुगिरी आदि पर्वत है वो अनादि ही से है, उनको किसी ने बनाया नहीं है। और जब वो अनादि ही से है इसका मीनिंग यह है कि अनंत पुद्गल परमाणु एक बंधन रूप अनादि ही से प्रवर्त रहे हैं। फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नहीं मिलते हैं, कि उनमें ऐसा होता रहता है कि कुछ परमाणु अलग हो गए, कुछ परमाणु नए आके जुड़ गए। जैसे कि हम अकृत्रिम की बात ना करके यदि हम इस कृत्रिम में देखें पर्वतों में, तो कुछ पार्टिकल्स अलग हुए, कुछ पार्टिकल्स नए आके जुड़ गए, कुछ मिट्टी आके कलेक्ट होती रही वहां पर और वो हम कहें कि वो भी ये पर्वत का रूप लेती रही, और कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स वहां से अलग होते रहे। तो ऐसा कुछ परमाणु भिन्न कितने भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, ऐसा मिलना बिछड़ना भी होता रहता है। लेकिन जो पुद्गल परमाणुओं का एक बंधन रूप है अनादि अनादि से, वो तो है ही अनंत पुद्गल परमाणुओं का, उनमें ऐसा होता रहता है कि कुछ परमाणु नए मिलते हैं, कुछ से जो पुराने हैं वो अलग हो जाते हैं, वो मिलना बिछड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु उनका अनादि एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। कि उसी तरह से जैसे जो मेरुगिरी आदि स्कंद है ऐसे ही इस संसार में एक जीव द्रव्य है और अनंत कर्म रूप उद्गर परमाणु है, उनका भी अनादि से एक बंधन रूप है। कि जिस तरह से वो अकृत्रिम स्कंदों में ये प्रूफ होता है कि अनादि ही से अनंत पुद्गल परमाणु एक बंधन रूप है, उसी तरह से यहाँ भी मानना कि एक जीव द्रव्य है और उसके अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु अनादि से ही एक बंधन रूप प्राप्त हो रहे हैं, मीन्स अनादि से ही कर्म बंधन है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। कि जो पुराने कर्म है वो देह में आके खिड़ जाते हैं, नए कर्म परमाणु बन जाते हैं, तो ऐसा जो मिलना बिछुड़ना है वो होता रहता है। जैसे मेरुगिरी आदि पर्वतों में होता था कि कुछ परमाणु अलग हुए, कुछ परमाणु नए मिले, ऐसा ही कर्म रूप पुद्गल परमाणुओं में भी होता है कि जीव द्रव्य से कुछ अलग हुए, कुछ नए मिले, इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि कर्मों जो कर्म बंधन है वो अनादि से ही है, ये कैसे हम पता करें, हम कैसे विश्वास करें कि कर्म बंधन है। इसकी सिद्धि यहाँ टोटल कि जिनको जीव प्रत्यक्ष जानता दिखता है ऐसे उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध करेंगे कि कर्मों तो अनादि से ही बंधन है। तो देखो पंडित जी यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो रागा दिख के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, अनादि कर्म रूप कैसे हैं? कि देखो ये तो हम सुनते आए हैं, जिनवाणी में भी लिखा है कि जब हम राग द्वेष आदि करते हैं तो उसके निमित्त से कर्म रूप पुद्गल परमाणु हमसे बंध जाते हैं। तो जो ये पुद्गल परमाणु है ये तो रागादि के निमित्त से होते हैं कर्म रूप, तो अनादि से कर्म रूप कैसे हैं? ये प्रदीप जी आप बार बार अनुरोध मत कीजिए। तो ये जो पुद्गल परमाणु है तो हमारे रागादि के अकॉर्डिंग कर्म रूप होते हैं, तो अनादि कर्म रूप कैसे हैं? और ये प्रश्न
हमारा तुम्हारा भी हो सकता है, हमारे तुम्हारे माइंड में भी कभी ना कभी आया ही होगा, चाहे आगम पढ़ के उसका शुरू से मिल गया हो, लेकिन ये तो माइंड में आता ही है कि जब रागादि के फिरो उसे रागादि के निमित्त से ही कर्म रूप होते हैं यदि पुद्गल परमाणु, तो अनादि से कर्म रूप कैसे हैं? जीव ने ऐसा क्या किया कि अनादि से ही कर्म रूप है? कुछ भी नहीं किया तो फिर वो कर्म रूप बंधन कैसे हुआ, और कुछ किया तो फिर अनादि से कर्म रूप कैसे हुए? तो देखो इसका कितना बहुत सुंदर उदाहरण पंडित जी दे रहे हैं कि निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। कि सबसे पहली बात तो कि जो हम निमित्त की बात कर रहे हैं, रागादि निमित्त की जो हम बात कर रहे हैं, तो निमित्त कहाँ पे संभव हो सकता है? नवीन कार्य हो, कि जहां पर कुछ कार्य हुआ हो तो हम कह सकते हैं कि इसके निमित्त से यह कार्य हुआ। तो जहां नवीन कार्य हो वहां पर ही निमित्त की संभवता है, कि निमित्त के निमित्त से कार्य हुआ है ऐसा कहना तभी संभव है जब कोई नया कार्य हुआ हो। अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जो कार्य अनादि से होता आ रहा है, अनादि से है, उसमें निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है, उसमें निमित्त कारण नहीं है। निमित्त कारण तो नवीन कार्य में ही संभव है। कैसे है वो? कि जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रुच गुण के अंशों ही से होता है, और मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? कि जो ऊपर पंडित जी ने मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंदों का उदाहरण दिया, तो उसी को पंडित जी उदाहरण को यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं कि जो नवीन पुद्गल परमाणु है, कि जैसे कुछ पार्टिकल्स अलग हुए, कुछ पार्टिकल्स उससे जुड़े, तो ये जो जुड़ने, ये जो मिलने बिछुड़ने की प्रक्रिया हो रही है, ये प्रक्रिया किससे हो रही है? कि जो पुद्गल परमाणुओं में स्नित रुच गुण पाया जाता है, कि जैसे पुद्गल का अर्थ होता है ना कि टूटना मतलब बिखरना और इकट्ठा होना, तो वैसा कि वो है ना स्निग्ध रुच गुण के कारण ऐसा होता है कि वो पुद्गल परमाणु मिलते बिछुड़ते रहते हैं, लेकिन वो बंधन कहाँ संभव है? नवीन पुद्गल परमाणुओं में, कि कुछ परमाणु जुड़ रहे हैं, कुछ परमाणु अलग हो रहे हैं, तो ये तो स्निग्ध रुच गुण के अंशों से होता है। लेकिन जो अकृत्रिम स्कंद है उनमें जो अनादि से पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, वहां तो निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? क्योंकि वहां तो बिना निमित्त से ही अनादि ही से वो अनंत पुद्गल परमाणु एक बंधन रूप दशा को प्राप्त हो रहे हैं, तो वहां निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादिक ही से होता है, और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? कि उसी प्रकार कि जैसे पुद्गल परमाणुओं में था, स्कंदों के केस में था, वैसा ही नवीन दो कर्म परमाणु हैं, उनका बंधन तो रागादि के निमित्त से ही होता है। कि जैसे हम परिणाम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही कर्म रूपी पुद्गल परमाणु हमसे बंध जाते हैं। कि जैसे पंचास्ती काय में एक एग्जाम्पल आता है काजल की डिब्बी की तरह, जो ये कारमान वर्गणाएं हैं वो तो काजा की डिब्बी की तरह ठसाठस भरी हुई है पूरे लोक में। तो हम जैसा परिणाम करते हैं तुरंत वैसे परिणामों को आधार बना से वो कारमान वर्गणाएं हमसे चिपक जाती हैं। तो वही एग्जांपल दिया प्रशास्त्री काय में कि काजा की डिब्बी की तरह, तो ये कारमान वर्गना तो ठसाठस भरी हुई है, उनका मिलना बिछुड़ना तो रागादि के निमित्त से ही होता है, लेकिन वो नवीन परमाणुओं के केस में ही संभव है। कि जो नवीन परमाणु कर्म रूप होते हैं वहां तो रागादि का निमित्त है, हम भी यह बात मानते हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि ये बात तो सही है कि जो नवीन परमाणु कर्म रूप हो रहे हैं उसमें रागादि निमित्त कारण है, लेकिन जो अनादि से ही पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप अवस्था है वहां निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि निमित्त का प्रयोजन तो नवीन कार्य में ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। देखो अब पंडित जी आगे कह रहे हैं कि देखो ये तो पंडित जी ने यह कह दिया कि निमित्त जो है वो नवीन कार्य में संभव है, जो अनादि कार्य है उसमें निमित्त का संभव बना नहीं है। लेकिन कोई कहे कि अनादि में भी निमित्त माने तो
तो देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं, तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं, इसीलिए कर्म का बंध अनादि मानना। कि देखो यदि अनादि में भी हम निमित्त मानेंगे तो भी अनादिपना कहाँ रहा, कि फिर तो वो कार्य किसी ना किसी निमित्त से हुआ है, तो जिस समय वो निमित्त नहीं था उस समय वो कार्य नहीं था, तो फिर उसके अनादिपने की सिद्धि तो होगी ही नहीं। इसीलिए अनादिपने में तो निमित्तपना बनता नहीं, इसीलिए यदि अनादि में हम निमित्त मानेंगे तो अनादिपना ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए अनादि में निमित्तपना बनता नहीं, निमित्तपना तो नवीन कार्य में ही संभव है, और इसीलिए कर्म का बंध अनादि मानना, इसीलिए ये प्रूफ होता है कि कर्म का बंध तो अनादि ही से है। देखो अभी प्रभुशन शाह जी की वो आ रही है, इसमें टीका कितना टाइम हो गया, तो आज यहीं तक करते हैं हम, इसमें अभी आगे है ना प्रभुशन शाह जी की कथा की आएगी कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, जो ये परिपाटी कर्म बंधन की जो परिपाटी चल रही है, कि जैसा ये हमने सुना भी होगा कि द्रव्य कर्म का उदय आता है हम वैसे भाव कर्म करते हैं और हमारे भाव कर्मों को निमित्त बना के द्रव्य कर्म बन जाते हैं, तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म हो रहा है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म हो रहा है, तो ऐसा कैसे संभव है, कि फिर तो है ना उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ पर अभी पंडित जी शंका उठाएंगे कि यदि ऐसा है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म हो रहा है, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म हो जाएगा, तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। कि जैसे हम कहें कि जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं कि आपका घर कहाँ है, वो कहे कि मेरा घर तो उसके घर के पास में है, और फिर हम कहें कि उसका घर कहाँ है, तो वो कहे कि उसका घर मेरे घर के पास में है, तो ऐसे तो वो चलता रहेगा कि मेरा घर कहाँ है उसके घर के पास, और उसका घर कहाँ है मेरे घर के पास, तो उस बात का सोल्यूशन नहीं निकल सकता। तो भाई पंडित जी उसी अपेक्षा को लेके यहाँ बोलेंगे कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म हो रहा है और भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म हो रहा है, तो ऐसे तो कभी उसे छूटना हो ही नहीं पाएगा कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म। तो उसका रीजन क्या है कि वो कैसे है जो ये द्रव्य, ये बात तो सही है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है, लेकिन फिर वो उसमें वो अपेक्षा कैसे है, इस अपेक्षा से वो कथन है, इसको वो प्रभुशन शाह जी की ये गाथा है, गाथा नंबर 121 है ये, सामान्य की अधिकार है इसमें, जो गाथा 93 से गाथा 200 तक है, उसमें गाथा नंबर 121 में इस बात को बताया है, उस चीज को हम कर लेंगे, कल समझेंगे इस बात को कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म की परिपाटी कैसे चल रही है और कैसे टूटेगी, तो उसको हम कर लेंगे। अभी यहां तक किसी को कोई शंका हो तो पूछ लें। जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढो। पंच पमिष्टि के स्मरण पूर्वक नौवा नमो का मंत्र का जाप।